हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। मेरी लास्ट वाली वीडियो में मैं बताया था व्हाट इज़ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में, वहाँ पर मैं सब्सट्रेट के बारे में बोला था। तो आज मैं डिस्कस करूँगा हाउ टू क्रिएट पोलारिटी इन नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड्स। देर आर मेनली फोर वेज इन व्हिच वी कैन क्रिएट पोलारिटी इन नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड्स। दे आर फॉर एग्जाम्पल इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशंस। टुडे वी डिस्कस अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ना, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ना, सिंपल सा डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, पोलारिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए पोलार बॉन्ड नियर इट। और तुम ऐसे भी हम बोल सकते हैं इट्स द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग ए कार्बन चेन। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है देखेंगे ना, मैं कार्बन चेन लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन नहीं फिलअप कर रहा हूँ, ओनली कार्बन बॉन्ड दिख रहा हूँ। तो इट्स एन कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग अप टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कार्बन्स। तो द कार्बन एटम्स आर सेम इलेक्ट्रो नेगेटिव, सो द शेयर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर बिटवीन ऑल दिस कार्बन्स है। सो कोई भी पोलारिटी यहाँ पर नहीं है, ये नॉन पोलार है, तो ये थोड़ा सा रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं क्लोरीन लगा रहा हूँ, तो ये बन गया तुम्हारा पोलार बॉन्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन। So the share pair of electron slightly shifted towards chlorine, so it becomes partial negative and this carbon becomes partial positive. Once the carbon number 1 becomes partial positive, it becomes more electronegative than carbon number 2. So carbon number 2 bhi abhi plus ban jayega, ye double plus matlab 2 plus nahi hai, 2 ke liye de raha hu, to ye bhi. The due to presence of chlorine, yahan par abhi plus create ho raha hai, यहाँ पर माइनस क्रिएट हो रहा है। तो अभी हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड था यहाँ पर पोलारिटी क्रिएट हुआ। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट में आते हैं ना, मैं इसका थोड़ा सा छोटा सा ऑर्डर लिख रहा हूँ, NR3 प्लस, SR2 प्लस, NO2, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोक्सी, OH। दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और भी ग्रुप्स है, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। तो और एक इफेक्ट देखेंगे, मैं यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटेन लगा लिया। दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, मिथाइल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका ऊपर माइनस क्रिएट होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप द इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन चेन, सो कार्बन चेन बिकम्स पार्शियल नेगेटिव। तो ये भी पोलार बन गया। तो ये जेहेतु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट बा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका ग्रुप में भी लिख रहा हूँ कौन सा ग्रुप है ना, ओ माइनस, सी ओ माइनस, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ना, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग ए कार्बन चेन। और क्या कैरेक्टरिस्टिक ना, कंडीशंस क्या है ना, ये एक ही कार्बन सिंगल बॉन्ड में काम करेगा। जो प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ये ओनली अप्लीकेबल टू
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और क्या ना ये अप टू थर्ड और फोर्थ कार्बन बॉन्ड कैरी करेगा, है ना। नेक्स्ट, तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन करना है, तो मैं एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इसका एप्लीकेशन में। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, मैं कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करूँगा। तो क्वेश्चन में पहले करेंगे एसिड स्ट्रेंथ, क्वेश्चन नंबर वन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ लिखेंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा इसके बाद एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ऑप्शन आई फॉर्मिक एसिड, सिंपल सा क्वेश्चन है इलेवेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए। तो HCOH CH3COH फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड, व्हिच इज मोर एसिडिक, सिंपल। यहां पर मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसको तो ये डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन का ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो इट कैप्चर द हाइड्रोजन मोर स्ट्रांगली, तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स डिफिकल्ट, सो ये एस नहीं जा पाएगा, तो ये लेस एसिड बन गया। और तुम एसिडिटी ऑर्डर ऐसे भी बोल सकते, ऐसे भी कर सकते हो ना, एसिड हम किसको बोलेंगे ना, हु डोनेट्स एच प्लस आयन और हु एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम एसिड बोलते हैं। तो एसिड स्ट्रेंथ किसका पर डिपेंड करेगा ना, एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उसका एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है। और क्या है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट में इस साइड पे लिख रहा हूँ, इस साइड में क्वेश्चन करेंगे। तो अभी देखो, इसका कॉन्जुगेट एसिड बना बेस बनाते हैं सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, तो दिस नेगेटिव चार्ज इज अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हियर एच इज नाइदर डोनेटिंग नॉर विड्रॉइंग, तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिड देन एसिटिक एसिड। और भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू, सी एस थ्री सी ओ एच एसिटिक एसिड क्लोरोएसिटिक एसिड, सिंपल, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो ओ माइनस, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप व्हिच स्टेबिलाइजेस द नेगेटिव चार्ज हियर, सो दिस बिकम्स मोर एसिडिक, क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। सिमिलरली इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। और क्या है, और एक क्वेश्चन करता हूं, ये सब इलेवेंथ के स्टूडेंट के लिए, ऑप्शन आई ऑप्शन डबल आई, यहाँ पर देखिए, इट्स ए फ्लोरिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट्स ऑल्सो फ्लोरिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट्स एन एसिड, इट्स ऑल्सो एन एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज नियरर, हियर डिस्टेंस इज मोर, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो एसिडिटी कम होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच नहीं पा रहा है, तो इसका एसिडिटी कम है, इसका एसिडिटी ज़्यादा है। तो टू फ्लोरो ब्यूटानोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन थ्री फ्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। और भी क्वेश्चन करेंगे,
थोड़ा आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। फ्लोरीन ऑप्शन डबल आई, क्लोरीन क्लोरीन यहां पर फ्लोरीन। देखिए चार ऑप्शन है यहां पर, सब जगह में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन, यहां पर दो फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन दिखेंगे। तुम ऐसे ही बोल सकते हो सर यहां पर फ्लोरीन है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, बट यहां पर क्लोरीन, बट क्लोरीन इज नियरर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर भी देखिए क्लोरीन फास्ट में लगा है, तो ये दोनों का डिस्टेंस कम है, तो ये दोनों ट्रिपल आई एंड आई वी इज मोर एसिडिक देन आई एंड डबल आई, एंड बिटवीन ट्रिपल आई एंड आई वी एक्सेप्ट क्लोरीन अनदर फ्लोरीन इज प्रेजेंट, तो दिस बिकम्स आई वी बिकम्स मोर एसिडिक देन ट्रिपल आई। ट्रिपल आई क्यों ना, ट्रिपल आई में यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन इज लेस विड्रॉइंग बट द क्लोरीन डिस्टेंस इज लेस, तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह पे ये ट्रिपल आई ज़्यादा एसिडिक हो गया, एंड इन बिटवीन टू यहाँ पर दो फ्लोरीन है लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन का पास में है तो आई आ गया, एंड लास्ट को आ गया क्या तुम्हारा डबल आई, तो आंसर हो गया आई वी ट्रिपल आई आई एंड डबल आई, दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। तो एसिडिक ऑर्डर डिपेंड करता है जनरली डिस्टेंस का ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन आई फ्लोरीन NO2, नाइट्रो इज स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप देन फ्लोरीन, CH3 CH NO2 COH CH2 CH NO2 COH। यहाँ पर देखिए दोनों सेम हो गया शायद, हाँ यहाँ पर फ्लोरीन भी है। देखिए NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पर NO2 कार्बन नंबर टू में है, यहाँ पर NO2 कार्बन नंबर टू में है, अनदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर फ्लोरीन है, तो IV बिकम्स मोर एसिडिक देन, यहाँ पर NO2 फ्लोरीन बोथ है लेकिन ये कार्बन नंबर थ्री में है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस लेस है तो ट्रिपल आई। इसके बाद आ जाएगा कार्बन नंबर टू में फ्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन नंबर थ्री में है तो आई आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा डबल आई, तो ये भी आंसर बन गया आई वी ट्रिपल आई आई डबल आई। तो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। सी ओ एच सी ओ एच ऑप्शन आई, ऑप्शन डबल आई सी एच टू सी ओ एच, ऑप्शन ट्रिपल आई सी एच टू सी ओ एच सी एच टू सी ओ एच। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, द बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर वन टू, यहाँ पर वन टू थ्री, यहाँ पर वन टू थ्री फोर, मिनिमम द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स मैक्सिमम द इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पर डिस्टेंस मिनिमम है तो यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एसिडिक, तो ऑर्डर क्या होगा ना, ऑर्डर बन जाएगा तुम्हारा आई ग्रेटर देन डबल आई ग्रेटर देन ट्रिपल आई।
तो मिनिमम द डिस्टेंस, मिनिमम द विड्रोइंग इफेक्ट, मैक्सिमम द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड मोर इज द एसिड नेचर. तो आई डबल आई ट्रिपल आई. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, और भी क्वेश्चन बहुत है. और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, सब कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ. CH3, CH2, CH2, COOH, ऑप्शन डबल आई, CH3, CH, CH3, COOH, ट्रिपल आई, CH3, CH2, COOH, ऑप्शन आई भी, CH2, डबल वन CH, COOH. तो हर जगह में कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट यहाँ पर एक sp2 कार्बन आ गया और सब sp3 कार्बन. तो sp2 कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट आ गया इसका. तो IV बिकम्स मोर एसिडिक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. इसके बाद देखेंगे यहाँ पर भी इथाइल इलेक्ट्रोडोनेटिंग, आइसोप्रोपाइल इलेक्ट्रोडोनेटिंग, यहाँ पर प्रोपाइल इलेक्ट्रोडोनेटिंग. तो ऑर्डर क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है. इसके बाद देखेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी प्रोपाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट इथाइल इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो मोर एसिडिक. तो ये आ गया यहाँ पर. इसके बाद आ गया प्रोपाइल, प्रोपाइल इज इसके ज़्यादा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहाँ पर आ गया. ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो सबसे लास्ट में आ गया. तो इसका और आ गया यही, ये सब sp3 कार्बन, ये sp2 कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये आ गया एसिडिक नेचर. ये तीनों आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसका एसिड स्ट्रेंथ कम होगा. एंड इन बिटवीन दिस, जिसका डोनेटिंग कैरेक्टर कम है वो ज़्यादा एसिडिक के, तो यहाँ पर ट्रिपल आई आगे आ रहा है. तो नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन. और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, तुम ऐसे ही बोल सकती हो इंडक्टिव इफेक्ट ओनली चेन में काम नहीं करता है, ये स्पेस पे भी काम करता है. तो इंडक्टिव इफेक्ट पे स्पेस में काम करेगा, तो इसको हम बोलेंगे फील्ड इफेक्ट. मैं फील्ड इफेक्ट का कंसेप्ट भी आगे नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, तुम बोलोगे कि सर कि यार सी स्ट्रेंस की EZ का क्वेश्चन कर लिया शायद. नहीं नहीं, ये इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन है. देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है. तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो ऑपरेट इन स्पेस, ये स्पेस में भी काम करता है. एंड इन स्पेस इफ द डिस्टेंस इज लेस देन ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है. तो देखेंगे, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेस ज्यादा है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप COOH, स्पेस कम है. तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा. मैं प्लस आई माइनस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लेस है. एंड इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा तो एसिस्टर कम होगा. तो इन बिटवीन दिस डबल आई इज लेस एसिडिक, आई इज मोर एसिडिक, तो एसिस्टर बन गया आई ग्रेटर देन डबल आई. तो और एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, आई डबल आई. देखिए ये भी सेम बात है. कार्बोक्सिलिसिक का नियर में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिसिक का नियर में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इसको छोड़ के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब ये दोनों आइसोमर्स है. एंड इन बिटवीन दिस टू आइसोमर्स हम देखेंगे स्पेस इफेक्ट में कार्बोक्सिलिसिक का नियर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो दिस बिकम मोर एसिडिक. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये एसिडिटी कम हो जाएगा. तो आंसर बन जाएगा डबल आई ग्रेटर देन आई. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, मैं क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ.
इजियर क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट दिखेंगे। ऑप्शन आई क्वेश्चन नंबर 11। तो बेंजीन ये बन गया तुम्हारा फिनल नाइट्रो ग्रुप। तो ऑर्थो नाइट्रो फिनल डबल आई में क्या करेंगे, डबल आई में पारा नाइट्रो फिनल। देखिए इन बिटवीन ऑर्थो नाइट्रो फिनल एंड पारा नाइट्रो फिनल इन बोथ केस अ नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट। बट हियर तुम सोचोगे ये नाइट्रो ग्रुप पास में है तो ज्यादा खींचेगा तो ये मोर एसिडिक होगा, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट डिक्रीजेस द एसिड स्ट्रेंथ। ये एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है डिस्टेंस की जगह से, यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका एसिड स्ट्रेंथ कम हो रहा है। तो इसका ऑर्डर बन गया डबल आई बिकम्स ग्रेटर देन आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये सब एसिडिटी ऑर्डर के बारे में, मैं एक जैसा क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अदर अदर कंसेप्ट का कर रहा हूँ। और एक कंसेप्ट करेंगे एस कैरेक्टर कैरेक्टर के ऊपर। तो सी एस थ्री सी ट्रिपल पॉन्ड सी एच एंड ऑप्शन आई ऑप्शन डबल आई में सी एस थ्री सी एच डबल पॉन्ड सी एच टू। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए दिस कार्बन इज एस पी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहां पर 50% s कैरेक्टर आ रहा है, यहां पर 33.3% s कैरेक्टर आ रहा है। मोर इज तो s कैरेक्टर, मोर इज तो इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस, ये तो हम जानते हैं। तो sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। यहां पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा s कैरेक्टर, तो एस कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस ज्यादा है, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ट्रिपल बॉन्ड इज मोर एसिडिक देन बा अल्काइन इज मोर एसिडिक देन अल्किन, इसीलिए तो ये सोडियम सॉल्ट बनाता है, इसीलिए तो ये ऐसे सॉल्ट बनाता है, ये सॉल्ट नहीं बना सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट से और एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा नाइट्रोजन देके और एक क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिए सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच अल्काइन आ गया है, देखिए डबल आई सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एक डोनेटिंग ग्रुप लगा लिया मैंने ट्रिपल आई सिंपली अमोनिया आई बी आई बी में आ रहा है मिथाइल एमीन। देखेंगे तो सिंपल, पहले ए दोनों में देखेंगे, ए दोनों में क्या हो रहा है ना, दोनों तो एसपी कार्बन है बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, तो डबल आई बिकम्स लेस एसिडिक देन आई, तो आई ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये अमोनिया ये मिथाइल एमीन, देखिए तो इसका आंसर तुम्हारा बन गया देखिए ये आई आ गया आगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो इसका एसिडिटी डिक्रीज करेगा तो डबल आई आ गया। ताले इन बिटवीन एन एच थ्री एंड एन एच टू तो इन एन एस थ्री में यहां पर एस पी थ्री कार्बन आ रहा है, मतलब 25% एस कैरेक्टर। तो दिस नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एसिटिलीन वाला कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, तो ये पीछे आ जाएगा आई डबल आई
ट्रिपल आई एंड एनएच थ्री में एक सी एच थ्री सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है, तो इस हिसाब अमोनिया हिसाब से मिथाइल अमीन में एसिडिटी कम होगा। और एक बार फाइनली बोल रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप है, बोथ आर एसपी हाइब्रिड कार्बन, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसका एसिडिटी कम हो गया, तो आई ग्रेटर देन डबल आई, इन बिटवीन ट्रिपल आई एंड आई वी यहाँ पर भी डोनेटिंग ग्रुप आ रहे आ गया, तो ट्रिपल आई ग्रेटर देन आई वी एंड इन बिटवीन डबल आई एंड ट्रिपल आई, डबल आई में ये आ रहा है एसपी कार्बन, यहाँ पर ये आ रहा है एसपी थ्री नाइट्रोजन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवनेस कम हो रहा है एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिवनेस कम हो रहा है, तो डबल आई ग्रेटर देन ट्रिपल आई। तो ये एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए तो ये हो गया, अच्छा अच्छा ये sp3 कार्बन निकला, सॉरी ये sp3 नाइट्रोजन है, ये हो गया। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे, भूल तो सबका होता है, और एक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन आई सी एस थ्री एस एच, ऑप्शन नंबर डबल आई सी एस थ्री ओ एच। तो देखिए इसमें देखेंगे, तो इसका कंजुगेट बेस निकाल लेते हैं, सी एस थ्री एस माइनस सी एस थ्री ओ माइनस, तो देखेंगे कौन सा कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। हियर नेगेटिव चार्ज इज बिग साइज एटम, हियर नेगेटिव चार्ज ऑन स्मॉल साइज एटम, तो सल्फर का साइज ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो ज़्यादा बड़ा बा बिग साइज एटम में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो सी एस थ्री एस एच बिकम मोर एसिडिक देन सी एस थ्री ओ एच, तो आई डबल ग्रेटर देन डबल आई। तो कंसेप्ट क्या हुआ ना, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन ए बिग साइज एटम देन ए स्मॉल साइज एटम, तो यहाँ पर सल्फर बिग साइज है, तो यहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा हो गया। तो ये सब कंसेप्ट मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ, कितना टाइप का असिस्टेंट का क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 15, ऑप्शन आई, ऑप्शन डबल आई में टर्शियरी लगा लेंगे, सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री सी ओ एच, देखेंगे कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन लेस एसिडिक है। तो यहाँ पर ये एस कैरेक्टर का ऊपर डिपेंड करेगा, बट केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये एस पी थ्री कार्बन है, ये एस पी थ्री कार्बन है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 109 नहीं है, ये 109 से लेस, बहुत लेस है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये एंगल 109 से ज़्यादा है। तो सर बोलेंगे तो सर एंगल का ऊपर एसिडिटी कैसे डिपेंड करेगा ना, एंगल का ऊपर एसिडिटी डिपेंड करता है एस कैरेक्टर, तो सर एंगल एंड एस कैरेक्टर, एंगल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, एस पी थ्री एस पी टू एस पी एंगल इंक्रीज कर रहा है, एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवनेस इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवनेस इंक्रीज करेगा तो एसिड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, याद रखो। तो यहां पर देखेंगे तो इस एंगल इज ज्यादा है, तो इस बॉन्ड में मतलब कार्बन COH वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर मोर, तो यहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा आ रहा है, मतलब ये मोर एसिडिक। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर सिंपली 25% एस कैरेक्टर आज यूजुअल इन sp3, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ड्यू टू एंगल एंगल स्ट्रेंथ यहाँ पर लेस, यहाँ पर एंगल इज मोर, तो ज़्यादा एंगल मतलब इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज़्यादा है, एस कैरेक्टर ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है मतलब एसिड ज़्यादा है। तो ये बन गया आंसर तुम्हारा आई ग्रेटर देन डबल आई। नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन है,
तो और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मीथेन, क्वेश्चन नंबर डबल आई अमोनिया, क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई वाटर, क्वेश्चन नंबर आई वी एच एफ। देखिए सिंपली कंजुगेटिव वर्ब्स बना लो, ओ एच माइनस एंड एफ माइनस, सिंपल। इलेक्ट्रो बा नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बन गया एफ माइनस ओ माइनस ग्रेटर देन एन माइनस ग्रेटर देन सी एच थ्री माइनस। इसका मतलब एच एफ इज मोर एसिडिक देन वाटर देन अमोनिया देन सी एच फोर। तो ऑप्शन सिंपल है आई वी ट्रिपल आई डबल आई आई। तो कंसेप्ट क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, तो ये कंजुगेट पे ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो एच एफ ज्यादा एसिडिक है, सिंपल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एक कर रहा हूं, और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मैं साइक्लोप्रोपेन ले रहा हूं और एक ले रहा हूं साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोप्रोपेन इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेन। इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे, देखिए मतलब आई इज मोर एसिडिक देन डबल आई, मतलब साइक्लोप्रोपेन इज मोर एसिडिक। कैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए ना यहाँ पर भी मैं एक एक युक्त कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो अभी एंगल के बारे में आएगा। देखिए इसका इंटरनल एंगल, देखिए इसका ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये कार्बन sp3 मतलब ये 109 होना चाहिए, बट हियर एंगल लेस देन 109 अंदर वाला, मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब इसको नंबरिंग कर लेता हूँ इजियर होगा, कार्बन नंबर 1 2 3, तो कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 3 ये वाला एंगल इज लेस देन 109, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। एंगल इंक्रीज कर जाएगा, मतलब एस करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, एस करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा तो इलेक्ट्रो नेगेटिव इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पर एंगल इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पर एंगल डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर एंगल डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर एस करेक्टर डिक्रीज करेगा, एस करेक्टर डिक्रीज करेगा, सिंपल सिंपल। इलेक्ट्रो नेगेटिव इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव डायरेक्ट फॉर रेसिस्टेंस, तो साइक्लोप्रोपेन मन गया मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेन। दीज आर ऑल अबाउट एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर। मैं इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बोला हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन के पे डिपेंड कर रहा हूँ, मेरा नेचर ही है मैं ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा। ये ऑल अबाउट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन, मैं रिपीट नहीं क्वेश्चन किया, तो मेरा ये वाला एसिड स्ट्रेंथ नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, क्या ना इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा और मैं ज़्यादा की ज़्यादा वीडियो करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।